स्टूडेंट्स माय नेम इज़ एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी मई इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लाइफ साइकिल ओके तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स स्टूडेंट्स एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स चलते चलते ब्रायोफाइट से नॉन वेस्कुलर प्लांट्स से ट्रेकियोफाइड्स तक आई और फिर ट्रेकियोफाइट्स के अंदर डेवलपमेंट और एडवांसमेंट होते हुए एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के बाद सीडेड प्लांट्स तक पहुंच गई ऑल राइट तो पहला ग्रुप जो हमें सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स का नजर आ रहा है दे आर जिम्नोस्पर्म्स इन जिम्नोस्पर्म्स की खसूसियत यह है कि इनके अंदर सीड्स पैदा होने शुरू हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारा वक्त गुजरने के बाद ने अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा कर ली कि बहुत सारे स्टेप्स ऑफ चेंजेस के बाद उनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं right? अभी भी हम इनको ये कहते हैं दीज आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स इसका मतलब ये है कि इनसे ज्यादा एडवांस भी एक ग्रुप है जो इन शाह तेस में पढ़ेंगे ऑल राइट right? तो इनकी क्या जनरल प्रॉपर्टीज हैं कुछ फीचर्स हैं इनको हम एनलिस्ट कर लेते हैं सबसे पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स इसका इसका जो नाम है, इसका मतलब जिम्नोस्पर्म्स को कहा जाता है दीज आर सीडेड के के बगैर पैदा हो रहे हैं इससे क्या मुराद है कि हमारे इर्द गिर्द नॉर्मली हमें सीड्स नजर आते हैं वो फ्रूट्स वगैरह के अंदर बंद होते हैं या स्पेशलाइज्ड उनके ऊपर प्रोटेक्टिव मौजूद होती है तो ये वाली चीज आप याद रखिएगा कि जिम्नोसपर्मस के जो सीड्स हैं वो किसी किसम की ओवरी के बगैर पैदा हो रहे हैं इनके पास अभी तक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ओवरी की फॉर्म में डेवलप नहीं हो सका सकाइट right? तो इसके साथ ही साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई जिम्नोस्पर्म्स आर नोन एज निकेज सीडेड प्लांट्स तो एक जुमले का जवाब स्टूडेंट्स इसका मैं बता रहा हूं आपको लिख लीजिए जी इसको जिम्नोस्पर्म्स और Known as Naked Seeded Plants because their ovules are born naked on. All right, अब इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक चीज आप समझ जाए तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा दिस इज मेगा खास किस्म के पत्ते right, जिनके ऊपर मेगा स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे और उनके अंदर मेगास्पोर मौजूद होंगे इनके अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो मेगाजिया है वही असल में ओव्यूल्स है तो ओव्यूल्स के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव एंटेगमेंट वगैरह मौजूद नहीं है और ना ही इनकी आउटर कवरिंग्स ने आपस में थोड़ा सा फ्यूज होकर ओवरी की तरह का स्ट्रक्चर बनाया है तो इस वजह से हम कहते हैं दीज आर द सीड्स इनके जो ओव्यूल्स हैं बगैर किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग के हैं और पत्तों के ऊपर पैदा हो रहे हैं तो इस वजह से दीज आर नॉन एस जिमनो ऑलराइट स्टूडेंट्स right, इसके साथ ही साथ कुछ और फीचर्स भी हम एनालिस्ट कर लें सबसे अहम बात यह कि दुनिया के जो जंगलात हैं उसके लिहाज से एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि वन थर्ड ऑफ फॉरेस्ट कंप्राइज ऑफ जिमनो स्पर्म्स ऑल राइट स्टूडेंट्स अब इससे क्या मुराद है हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर शुमाली इलाका जात की जानेब जब आप सफर करते हैं तो आपको हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बहुत सारे ऐसे दरख नजर आते हैं कि जिनके नीडल लाइक लीव्स मौजूद होते हैं और उनकी जो पहचान है वो है उनकी लकड़ी की बनी हुई जो आपको अपेरेंटली नजर आती हैं बड़े वाली वो फीमेल कॉन्स होती हैं और इसके साथ ही साथ उन दरख्तों के ऊपर छोटी छोटी मेल कॉन्स भी मौजूद होती हैं अगर आप पहाड़ों के दरमियान बनी हुई पगडंडियों के ऊपर भी पैदल सफर तय कर रहे हैं तो आपको वहां पर बाज़ा जमीन के ऊपर गिरी हुई कौन मिल जाती हैं ऑलराइट ये की वजह से जनरली इनको एक और नाम भी दे दिया जाता है कि दीज आर कोनीफर्स ऑल्सो so, जिम्नोस्पर्म्स तो ये याद रखिएगा कि कोन्स का बन जाना और इनके लकड़ी के मेगास्पोरोफिल्स वगैरह बनाना ये जिम्नोस्पर्म्स की प्रॉपर्टीज हैं और दुनिया के जंगलात का बेशतर हिस्सा जो है वो जिम्नोस्पमिक प्लांट पर मुश्तमिल ऑलर्ट स्टूडेंट्स फिर इसके साथ ही साथ अगर हम इनके अपने वेजिटेटिव फीचर्स की जाने आए तो इनके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें ये पता चलता है These plants they show heteromorphic alternation of generation. Heteromorphic alternation of generations. Now, heteromorphic alternation of generations. Two generations hai. one is the sporophyte generation, second one is the gametophyte generation. और आपस में बदल बदल के आते रहते हैं और लाइफ साइकिल को मुकम्मल कर लेते हैं दैट्स दिस इज एज हैंनेशन ऑफ जनरेशन वन जनरेशन विल बी डिप्लॉयड एंड अदर वन विल बी जेनेटिकली तो इनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से अगर हम शॉर्टेस्ट वे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट इनडिपेंडेंट इट right. ये जो दरख्त आपको नजर आ रहे हैं कोनीफर्स वगैरह के ये असल में क्या है दीज आर द स्पोरफाइट ऑल राइट right? तो ये जो स्पोरोन्ट जेनरेशन है तो गेमिटोफाइट जेनरेशन वो डोमेंट नहीं होगी इट एज रिड्यूस्ड जेनरेशन ऑलराइट right? तो इसको भी यहां पर लिख लेते हैं गेमिटोफायर एज रिड्यूस्ड डिपेंडेंट ऑल राइट और स्पेसिफिकली याद रखिएगा रिटेन वेदेन दूल ऑल राइट इसका मतलब यह है कि जो पौधा आपको नजर आ रहा है वो तो स्पोरोफाइट जनरेशन है लेकिन गेमिटोफाइट तो आपको नजर ही नहीं आएगा यह भी पॉसिबल है कि शायद ये चंद सेल्स की हद तक महदूद हो चुका हो

तो इसका मतलब यह है कि हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं तो यहां पे इनके अंदर सीड्स का मौजूद होना एक जरूरी प्रॉपर्टी होगी ऑलराइट सो ना वर द हेट्रोस्पोरस मीन दे कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स ऑल इनमें कौन कौन से एक्साम हैं? छोटे वाले स्पोर्स that are in और बड़े वाले मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस इन मेगा, मेगा right, तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स फिर इसके साथ अगर हम मर्ज करना चाहें लाइफ साइकिल ऑफ माइनस दैर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इसको गौर से सुनते जाइएगा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इंतहाई आसान तरीके से एक्सप्लेन करूं और इस तरह से पॉइंट बनवाऊ ताकि आपको याद रखना भी आसान हो बाद में आप इसको आसानी से लिख भी सकें और ऑब्वियसली समझ इंशाल्लाह आ जाएगा आपको नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पायनस ऑल राइट स्टूडेंट्स अब याद रखिएगा कि आमतौर पे ये पाइनस वगैरह के दर जो हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब, सब जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, दे बिलोंग टू द सेम जीनस इसके अलावा और जेनरा भी हैं जिनके नाम आपकी किताब में मैंशन किए हुए हैं एमसीक्यूज के लिए याद कर लीजिएगा इनको ऑलराइट जिसमें साइकस कंगी पाम वगैरह ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं फिर इसी तरह वगैरह देवदार के दरख्त जो होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और खासतौर पर जब आप अपने बलाई इलाकों की जानब रावल पिंडी इस्लामाबाद और मरी और इनसे अगले इलाकों में जाते हैं तो आपको अपने पहाड़ी सिलसिले के ऊपर बहुत सारे इस तरह के दरख्त नजर आते हैं फिर तुरंत एक पौधा है जिसका नाम है जिंको बायोबा ऑलराइट मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इट बिलोंग्स टू द सेम जिम्नोस्पर्म से बिलोंग कर रहा है लेकिन अहमियत के लिहाज से हवाले से बहुत ज्यादा है, right? हम आगे, में अब यहां पर लाइफ साइकिल और याद रखिएगा इट इज एम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखें जो वेजिटेरियन स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं इस पौधे के उसके अंदर रूट्स मौजूद है स्पोरोड प्लांट है ये इसका, इसके अंदर रूट्स मौजूद हैं इसका स्टेम मौजूद है और ब्रांचेस हैं और लीव्स की खसूसियत ये है कि दीज आर नीडल लाइक लीव्स की अगर हम बात करें तो इनके जो पत्ते होते हैं दे आर नीडल लाइक और क्लस्टर्स में पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्स ऑलराइट फिर इसके साथ ही साथ अब सवाल आपके जहन में यह आना चाहिए था कि अगर ये सुई की तरह बारीक पत्ते हैं तो इनके स्टोमेटा कहां पे मौजूद होते हैं तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये इनकी एक खसूसियत है कि वाटर कंजर्वेशन के एतबार से

और फिर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद हैं क्यूटिकल वगैरह की फॉर्म में ताकि कम से कम पानी का अखराज हो और पानी को बचाया जा सके right? तो ये कुछ खसूसियात हैं इन प्लांट्स के अंदर ताकि ये हार्श एनवायरमेंट्स में गुजारा कर सकें सकेट right? अब अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इनके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्म में दो तरह की कोन्स मौजूद होती हैं जो छोटे वाली कॉन्स इस दरख्त के ऊपर हमें नजर आए दे आर नोन एज मेल मेलकोन्स ऑलराइट बिल्कुल छोटी सी रिड्यूस साइज में होती हैं और एक ही एक्सेस के ऊपर क्लस्टर्स की फॉर्म में नजर आती हैं आमतौर अगर हम पाइनस वगैरह की जो स्पीशी इर्द गिर्द पाई जाती हैं उनके लिहाज से देखें तो इनके पोलन ग्रेन की निचली शाखों पर हमें नजर आएंगे ऑलराइट अब इन मेल मेलकोन्स को दूसरे लफ्जों में पोलन को भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मेल वगैरह प्रोड्यूस करने हैं फिर इसी तरह दर के ऊपर वाले हिस्सों में या शाखों के टर्मिनल्स वाले पार्ट के ऊपर लकड़ी की बनी हुई मोटी और बड़ी कॉन्स अगर आपको नजर आए तो दीज आर द फीमेल right? ये जो फीमेल कॉन्स है इनका टेक्स्चर ज्यादा वुडी है और ये ज्यादा प्रोटेक्टिव और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हैं क्योंकि इन्होंने फीमेल गेमिटोफाइट की प्रोटेक्शन करनी है इवन आफ्टर द पोलिनेशन दे आर रिटेन बाय द स्पोरोफाइट प्लांट स्पोरोट अब इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको इंतहाई आसान वे में ये एक्सप्लेन करने लगाऊं ताकि आप इसको लिख भी लें और याद करने में भी आसानी हो मेलकोन मेलकोन्स दे आर स्मॉलर इन साइज और राइट छोटी है और छोटे होने के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया है क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं अब मेलकोन इट इज ऑल्सो नोन एज पोलन कोन अब स्टूडेंट्स ये जो हम कौन की टर्म बार बार यूज कर रहे हैं अगर आपको याद हो तो हम इनको स्ट्रॉबे लाइक कह सकते हैं इसका जवाब जरा सोचिए बाकी एक्सप्लेनेशन सुनते जाइए मेल कोन्स दे आर मेड अप ऑफ स्पाइरल माइक्रो स्पोरोफिल्स ऑलराइट स्टूडेंट्स अब स्पाइरल इट इज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑलराइट माइक्रो छोटे फिल्स पत्ते ऑलराइट right? अब ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं ऐसे पत्ते जिनके ऊपर माइक्रोस्पोर्स पैदा होंगे ओके okay?

तो स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होना चाहिए माइक्रो स्पोरेंजिया ऑलराइट स्पोरोफिल्स वो पत्ते जिनके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे और चूंकि तो करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया अब स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट्स ऑलराइट right. अब ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं इनके अंदर मियोसिस के प्रोसेस की वजह से राइट ये याद रखिएगा इनके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है अटेट्रॉड ऑफ माइक्रोस्पोर्स अब यहां पे याद रखने वाली बात ये है कि हम इनको अलग-अलग से भी तो चार स्पोर्स कह सकते थे लेकिन याद रखिएगा कि ये स्पोर्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो आगाज में ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में होते हैं इस वजह से हमने इनको कहा फॉर्म आप चार, चार इसका मतलब tetra से निकला है। चार स्पोर्स हैं, लेकिन अभी तक अटैच्ड फॉर्म में मौजूद हैं। right? अब इन चारों के अंदर एक ही जैसी तब्दीलियां आती हैं फ्यूचर में और वो चेंजेस क्या हैं नाउ दीस स्पोर्स दे है माइक्रो गेमिड ऑलराइट इसमें से अब हम एक की बात कर रहे हैं ओके वन माइक्रोस्पो अंडरगो चेंजेस अब कौन कौन सी चेंजेस आ रही है ये चारों के चारों के अंदर होंगी लेकिन हम यहां पर एक की एक्सप्लेन करने लगे नाउ याद रखिएगा कि इस माइक्रोस्पोर के अंदर थ्री सक्सेसिव माइटॉटिक डिविजन होंगी ऑल राइट right? और इन माइटॉटिक डिविजन की वजह से इट विल प्रोड्यूस फोर सेल्स माइक्रो गिटोफाइट स्टूडेंट अब इससे एक दफा फिर समझ लें माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट मौजूद था और उस माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर मियासिस हुई और चार माइक्रोस्पोर्स बन गए अब उनमें से हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर ये तब्दीलियां आएंगी और वो किस तरह से कि एक माइक्रोस्पोर जैसे ही मेच्योर होगा तो उसके अंदर फौरी तौर पे तीन सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन होंगी जैसे ही सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन होती हैं तो ये फोर गिमिटोफाइट बना देता है अब इसके अंदर ये जो चारों सेल्स हैं ये कौन कौन से हैं इसके लिए भी याद रख लें आप टू ऑफ दे आर नोन एज प्रो सेल्स ऑल राइट One of them, this is known as generative cell, all right, and one of them it is known as tube cell, all right, students. अब ये मेल gametophyte ki तो की हम बात कर रहे हैं अब इसमें से ट्यूब सेल से तो आपको पता चल रहा है ये फ्यूचर में पोलन ट्यूब बनाने वाला है जेनरेटिव सेल्स क्या करते हैं ये भी याद रखिएगा जेनरेटिव का मतलब कि ये आगे फर्दर पैदावार देंगे इन्होंने क्या करना है स्टीराइल सेल्स प्रोड्यूस करने राइट right. और उसके साथ ही साथ स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करने हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को सक्सेसफुल किया जा सके अब ये सारी तब्दीलियां कहां पे आ रही हैं विद इन द माइक्रोस्पोर्स क्योंकि माइक्रोस्पोर्स की जर्मिनेशन हो रही है यानी उनकी ग्रोथ हो रही है और मेल गेमिटोफाइट यानी कि माइक्रो गेमिटोफाइट बन गया अब स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि यहां पे माइक्रोस्पोर्स का हमने जिक्र किया और वो माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गेमीटोफाइट मौजूद होता है उसको हम कहते हैं इज ग्रेन right? तो ये बात भी याद रखिएगा एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए इज अ ग्रेन ग्रेन के अंदर क्या मौजूद होगा याद रखें इसका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है और इसको हम स्पेसिफाई करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ टू विंग्स ऑलराइट इसके इर्द गिर्द एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिनको हम विंग्स कह रहे हैं ताकि इसकी मदद से यह ज्यादा दूर तक डिस्टेंस भी कवर कर सके और पानी के बगैर ट्रेवल करके जा सके ताकि जितनी ज्यादा दूर पोलिनेट करेगा उतनी ही अच्छी और सक्सेसफुल जनरेशन पैदा होने के चांसेस में इजाफा होना शुरू हो जाएगा ऑल राइट सो अ पोलिंग ग्रेन माइक्रोस्पोर कंटेनिंग माइक्रो केमीथोफाइट और राइट वे मेल गेमीट्स और इसकी खसूसियत क्या है एक प्रोजेक्टेड डोम शेप्ड अपर पार्ट होता है इसका और उसके साथ इसके दो विंग्स मौजूद होते हैं ताकि ये ंडपर्सल को सक्सेसफुल बनाए उसको सपोर्ट करे ताकि पानी के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी अभी तक वो खत्म हो जाए ऑल राइट स्टूडेंट्स इसी वजह से इन प्लांट्स को हम सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कह रहे हैं कि पानी के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो खत्म और खुश्की के साथ कोप ओवर करने के लिए विंड पोलिनेशन और विंड डिस्पर्सल को अडॉप्ट किया गया है ऑलराइट स्टूडेंट्स right, तो ये तो यहां तक फीचर्स हमने लिख लिए मेल लिएफाइट और माइक्रोस्पोर्स के अब इसके अंदर अगर स्पर्म सेल्स वगैरह मौजूद हैं So now they have to travel to the female gametophyte, or female gametophytes they are produced within the female cones. Female cone. Now the female cone it has the same thing. Spiral, but Woody, All right, students, अब देखें अरेंजमेंट इनकी भी स्पाइरल है लेकिन इनका टेक्सचर लकड़ी नुमा है ऑल राइट अगर आपने ये कोन पकड़ के देखी हुई है तो इनके लीव्स को अगर आप फील करें तो आपको यूं ही लगता है कि जैसे ये लकड़ी पे मुश्तमिल हैं ऑल राइट तो इसका मतलब ये है कि ये सख्त हैं ज्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन इसके साथ ही साथ इन मेगास्पोरो के अंदर क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है मेगा स्पोरेंजिया अब यहां पे याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि असल में मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल का ही दूसरा नाम है तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं इफ देर आर टू मेगा स्पोरेंजिया सो वी कैन से देर आर टू ओव्यूज और राइट मेगा स्पोरोफिल्स के ऊपर मौजूद होते हैं ओव्यूल्स ये बात याद रखिएगा जिसकी वजह से हम इनको कह रहे हैं दीज आर सीरियड प्लांट ओके इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव इंटेगोमेंट वगैरह मौजूद नहीं है फिर इसके साथ अगर मेगास्पोरेंजिया है तो मेगास्पोरेंजिया के अंदर मौजूद है मेगास्पोर मदर सेल्स राइट बिल्कुल इसी तरह से सुरेंज जैसे हमने कहा कि माइक्रोस्पोरोसाइट हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स वगैरह के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इसी तरह इन मेगास्पोर मदर सेल्स को हम मेगास्पोरोसाइट्स भी कह सकते हैं।, अगर हम इनको रहे हैं तो इसका मतलब प्रोडक्टिव सेल्स इनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा और इस सेल डिवीजन की वजह से यहां पे फोर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे ऑलराइट राइट अब याद रखें एवोल्यूशन ऑफ रैबिट का एक प्रॉपर्टी एक फैक्टर है वहां पे एक पॉइंट के मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक ही फंक्शनल रह जाएगा ऑल राइट right? तो इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ दीज फोर मेगास्पोर्स, ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर विल प्रोसीड राइट नाउ दिस वन फंक्शनल मेगास्पोर इट विल जर्मिनेट टू फॉर्म द फीमेल गिमी वन फंक्शनल मेगास्पोर जर्मिनेड राइट जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा और यह क्या प्रोड्यूस कर देगा फीमेल गेमिटोफाइड एंड दिस फीमेल गेमिडोफाइड इज ऑल्सो नोन एज मेगा गेमिटोफाइड और मेगा गेमिटोफाइट के अलावा कोई और नाम आपके जहन में आ रहा हो यस

और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स एक से ज्यादा आर्चिगोनिया भी मौजूद हो सकते हैं फिर उसके बाद आर्चिगोनिया के अंदर क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे एग्स और ये आपको याद है देर इज ओनली वन फंक्शनल एग और एक ही एग होता है और उसी ने फर्दर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरा अपरेटर्स जो फीमेल गेमिटोफाइट वाला है ये कहां पे मौजूद था अवयूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोरेंजियम की जो लोअर टिप्स होती हैं वहां पर माइक्रोपायल रिजेस वगैरह मौजूद होती हैं और जैसे ही ये वाला पूरे का पूरा स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के प्रोसेसिस को कंप्लीट किया जा चुका होता है तो उनके एंड्स के ऊपर स्टिकी सी प्रोड्यूस की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अब क्या होगा जैसे ही पोलिनेशन का मौसम आएगा तो पोलन ग्रेन दे विल ट्रेवल फ्रॉम द मेल कोन्स टू द फीमेल कोन्स ऑलराइट अब क्या होना चाहिए सबसे पहली चेंज जो हमें नजर आती है कि जो फीमेल कोन्स हैं उनके जो मेगा हैं वो ज्यादा स्पेशियस होना शुरू हो जाते हैं जैसे ओपन अप हो रहे हैं एक दूसरे को स्पेस देने के लिए फिर क्या होता है कि पोलन इनके इन ट्यूबुलर के अंदर जाके स्टिक होना शुरू हो जाते हैं चिपकना शुरू हो जाते हैं अब जैसे ही यहां पे चिपकते हैं तो याद रखिएगा एक बहुत सिग्निफिकेंट नेचुरल चीज है और इसको हम कहते हैं पोलिनेशन ड्रॉप ऑलराइट पाइनस के अंदर हमें ये नजर आता है इसका मेगास्पोरेंजियम खास किस्म की स्टिकी स्थिति ट आउट करता है और पोलन ग्रेन को अपने साथ चिपकाता है अटैच करता है और फिर वापस अंदर चला जाता है अब जैसे ही ये पोलिनेशन ड्रॉप जो है पोलन ग्रेन को लेके और वापस मेगास्पोरेंजियम के अंदर और व्यूल तक चला जाएगा तो यहां पे पर पोलिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल होते ही ब्रेक आ जाती है ऑलराइट अब यह भी पॉसिबल है कि एक साल से ज्यादा अरसा गुजर जाए और फर्टिलाइजेशन के अमल को रोक दिया जाए अब जैसे ही अगला सीजन स्टार्ट होगा तो फिर पोलन ग्रेन अपनी जर्मिनेशन का आगाज करते हैं पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब आर्चिगोनिया तक ट्रेवल करके जाएगी उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी सेल्स सेल्स डिवाइड करते हैं और उनमें से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्पर्म्स जैसे ही जाके फ्यूज करेंगे विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल तो हम कहेंगे नाउ दिस इज द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन अब इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ये जो डिप्लॉय न्यूक्लियस बनता है दिस इज नोन एज एजोड बनते साथ ही क्या होगा कि यह करके जमा करना शुरू कर देता है और वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है यानी कि डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है ताकि हर किस्म के खराब हालात से आराम से गुजारा किया जा सके अब क्या होगा फिर फर्दर चेंजेस के अंदर हमें यह चीज नजर आती है कि इसके जो आउटर इंटेगमेंट है वो विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे ही और फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो इन सीड्स को डिस्पर्स कर दिया जाएगा बिखेर दिया जाएगा जैसे ही ये सीड्स कहीं किसी फेवरेबल मीडियम के ऊपर गिरेंगे वहां से फिर जर्मिनेट करेंगे और एक नए प्लांट का आगाज हो जाएगा अलर्ट स्टूडेंट्स सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द पाइनस जिम्नोस्पर्म्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव है ये जो सारा कुछ हमने डिस्कस किया है इसमें स्टूडेंट्स जो सीक्वेंस मैंने फॉलो किया है कोशिश कीजिएगा कि इसी को फॉलो करें आपको याद रखने में और लिखने में आसानी होगी इंशाल्लाह ऑलराइट right, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ